जैद की रिपोर्ट ना बिल्कुल अच्छी नहीं आई। मैं उस दिन कितना रोई थी। रोया मत कर, तू रोया मत कर। क्या फोन आ रहे, मैं क्या करूँ, मैं बहुत कम रोता हूँ। मैं तेरी धड़कन हूँ। पहली बार देखे मेरे पापा को 6 साल में रोते हुए। उसको मैं इतना ज्यादा तड़पता हुआ देखा, मुझे पता था कि ऐसा होगा। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और रात के बज गए 8 और अभी अभी गोलू की कॉल आई है और जैद की रिपोर्ट ना बिल्कुल अच्छी नहीं आई। मतलब इतना ज्यादा दिमाग खराब मैं बता नहीं सकता। मतलब डॉक्टर ने बोला कि 5 दिन के लिए और एडमिट रखा जाएगा उसको। हाँ बोलूं। क्या बोल रहे पहल? बोल रहे हैं जो बच्चों की जो बॉटल है ना वो चेंज करनी है और कांच वाली बॉटल। फालतू भी अपना ध्यान रख ले, नीचे करे बाल, सारे बाल उड़ते जा रहे हैं। क्या हो रहा है, मुझे अपॉइंटमेंट, सारे बाल आगे उड़ रहे, गंजी हो जाएगी ऐसे। तो मुझे पता है, सारे काम छोड़ के अभी ले अपॉइंटमेंट, अभी लेती हूँ, कल जाती हूँ। हाँ, मुझे कर ले। मैंने दिखाया था ब्लॉग में भी, इतने मतलब कंगी भी नहीं कर रहे ना, सिर्फ ऐसे करके। अभी दिखाती हूँ आपको, लाइव दिखाती हूँ। ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, देखो मना कौन कर रहा, दिख रहा है, देख लेना किस चीज की कमी है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे करके ऐसे करूंगी ना, ये देखो हर बार इतना निकलेगा। भाई लापरवाही मत करो, दवाई दवाई ले लो, अपॉइंटमेंट ले ले, अभी अपॉइंटमेंट ले ले, अच्छे से डॉक्टर से ले ले, पूजा से पूछ ले, कोई अच्छा डॉक्टर है स्किन का वही करके देगा। ठीक है, अभी पूछ ले। PRP ले ले मोहित के पास जाके, मोहित सर के पास। और क्या तो करो, करती हूँ मैं अपना। ये भी ध्यान देखो, बच्चों का भी रखना पड़ेगा, अपना भी रखना पड़ेगा। गंजी तो लड़की अच्छी नहीं लगती ना, गंजी हो जाऊंगी थोड़ी देर में, ऐसे लगा। बाल तो बहुत निकल रहे हैं, ये देखो हर बारी में निकलेंगे। तो कर लेना बेटा, मना कौन कर रहा है। तो गाइस अभी अभी गोलू की रोते हुए कॉल आई है कि आप एक बार ना डॉक्टर साहब को कॉल कर लो, मुझे तो कुछ बता नहीं रहे। तो अभी मैंने जब उनको कॉल किया तो बिजी जा रहा था, अभी देखता हूँ नीचे ऑफिस में होंगे तो पूछता हूँ क्या है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं। जैद को लेके ना पूरी फैमिली परेशान है, उसके साथ जितने हमारे सब्सक्राइबर इतनी ज्यादा वेल विशेस हैं, तब भी लड़का बीमार है। दुआ करो यार लड़का जल्दी ठीक हो जाए और घर आ जाए। तो गाइस अभी मैं पहुंचा हूँ हॉस्पिटल और गोलू को समझा रहा हूँ कि रोया मत कर, तू रोया मत कर, ठीक हो जाएगा। आज 5 भी रात है, 5 दिन के लिए और एडमिट है, अभी 4-5 दिन हो गए और देखेंगे इसको। तो मुझे ये चीज कह रहा, एक हाथ पे कैनला लग चुका है, एक हाथ पे अभी देखो ड्रिप्स नहीं जा रही, ठीक है, फ्लश करवाने को बोला है। वो कह रहे हैं बच्चे की नर्व से, अगर वो कैनला इस पे नहीं लगेगा फिर वो पैर पे लगाएंगे। अब पैर वो टिकता नहीं, इसका पैर ऐसे ऐसे करते हैं, पैर बेचारा बच्चा सॉक्स पहन के रखता है, कितनी दिक्कतें हैं। क्या करें बाले, गोलू की किस्मत में लिखे हुआ है, हम तो दिन रात इसके एक पांव पे खड़े हैं ना, हम कभी ये थोड़ी लापरवाही थोड़ी करते, किसी बच्चे के लिए नहीं करते। मुझे पता है, अब ये थोड़ी है कि बच्चा हॉस्पिटल में, मम्मी हम कहीं घूम रहे हैं। एक बात बताओ, सबकी हालतें देख लो, पिछले 5 दिन से ब्लॉग उठा के दे लो, टाइम पे खाना नहीं है, टाइम पे नहाना नहीं है, एक टांग पे खड़े रहते हैं चीज को लेके। तो सबको शक्ल ही दिख रही है हमारी, मेरी शक्ल कैसी हो रही है। वो तो आप सही बोल रहे हो, पर कपी कपी भर जाता है दिल, क्या करूं। टेंशन मत ले, बिल्कुल ठीक है, ये शेर है, ये शेर का बच्चा जब जंगल में रहता है ना गोलू, उसको सरवाइव करना मुश्किल होता है, और वैसे जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं शेर के बच्चे होते हैं, ठीक है, टेंशन मत ले, बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये, पॉजिटिव सोचा कर। हमेशा मैंने तेरे को एक बात समझाया, रोने से अगर कुछ होता तो एक काम करता हूँ, मैं भी रोने लग जाता हूँ और उसको भी बोल देता हूँ, डॉन को भी, वो भी रो लेगी। है वो देख कितनी दूर से आई है मिलने के लिए तेरे से। फिर तो पापा का तो प्यारा बेटा है ना, पापा का तो याद करता रहता हूँ मैं, शैली को बोल के दिखा रहा था। तो अभी क्या ना, मम्मी ने ना ड्रिप पकड़ रखी है और उसके बाद ये थोड़ी बहुत चल रही है, ठीक है, जल्दी से ठीक हो जाए, मम्मी को घूमने जाना चाहिए। देख शक्ल देखिए, देख ये जब तक ठीक नहीं होगा कहीं नहीं कोई नहीं हिलेगा बेटा, फटाफट ठीक हो जा। इसने ना शैली आई थी, शैली के सामने बोला, मैंने बोला बोल मम्मा पापा 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 के बेटा ना। समझ नहीं आता मुझे ना, कोई एक चीज ठीक करने जाती हूँ तो दूसरी चीज खराब हो जाती है। इसको मैं हाई फीवर के साथ लेकर आई थी, कोल्ड एंड कफ। तो सुबह इसके स्टूल का टेस्ट हुआ था क्योंकि इसको ना काफी ज्यादा वाटरी स्टूल्स आ रहे थे। तो अभी स्टूल के टेस्ट की रिपोर्ट आई है, इसके ना मिल्क में बताया कि इसको शुगर नहीं देनी है डॉक्टर ने। तो अभी डॉक्टर ने एक मिल्क क्लिक कर दिया है, 0 लैक करके नाम है, और बोला है कि जाके वो लेके आओ, उस मिल्क को देना है ताकि उसमें शुगर ना हो। समझ नहीं आ रहा कि ना इसको क्या दिक्कत होती है क्या दिक्कत नहीं होती। एक चीज से ठीक करती हूँ तो दूसरी चीज खराब हो जाती है, दूसरे से ठीक करती हूँ तो तीसरी चीज खराब हो जाती है। अभी इसके कैनला में प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये कैनला इसमें नहीं चला ना गोलू, तो फिर पैर में लगाना पड़ सकता है इसको। आपको पता है कितनी दिक्कत होगी, पता मुझे, मैं उस दिन कितना रोई थी। मैं तो सोच सोच के फिर दोबारा रोना आ जाएगा कि पैर पे मतलब टिकता नहीं है, पैर पे थोड़ा हार्ड होता है ना, पैर पे तो ये ऐसे 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 करते हैं, सॉक्स पहनी हुई है, कंबल के साथ दिक्कत, पैर पे तो बिल्कुल नहीं टिकता, बिल्कुल भी नहीं। और 3 टाइम में तो देखो ना, आज 5वां दिन है, 3 दिन एक हाथ में रहे, 2 दिन एक हाथ में रहे, अब देखो कहाँ किसी के काबू नहीं आ रहा। क्या कह रहा हूँ आपको, पता है डॉक्टर ने क्या बोला, डॉक्टर ने बोला इसको ना मेरे को ज्यादातर फ्लूट पे रखना है, और ये सोते हुए ड्रिप लगवाता है, जब ये जागता है ना तो ये ड्रिप लगवाता ही नहीं है। कोई बात नहीं मम्मा, मम्मा मम्मा आ जाओ, खड़ा हो गया, ड्रिप नहीं लगवा तो आप कैसे पैरों पे लगवाओगे।
बस ठीक हो जाएगा। अब इसे कह रहे बोला हटवाना पड़ेगा, एक बार हटवा दूं, हटवाऊं मम्मी? हाँ, ब्लड आ रहा है, फिर दोबारा लगाएंगे पाल गोलू, फिर लगाना पड़ेगा दोबारा कैनूला। क्या बोल रहे, मैं क्या करूँ, थोड़ी देर लिटा के देख। हैं क्या करें यार, हम भी दिन ना कोशिश ही तो कर रहे हैं। बोलो तो रो मत, रो मत ना, रोने से क्या हो जाए। देखो वो भी रो रहा है, देख। गाइस मुझे क्या लग रहा है कि ना, जब ये हुए थे तो हमने मन्नत मांगी थी कि जैसे होंगे ना तो मैं इनको अजमेर शरीफ लेके जाऊंगा, और अब तक ये अजमेर शरीफ नहीं गए। तो मतलब मन में ना एक अंदर से वो है, मतलब वहम होता ना, समझ लो वहम लगा लो, कुछ भी लगा लो, पर मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ अजमेर शरीफ के लिए और इसके नाम के बाद चादर चढ़ाता हूँ, और तू जैसे ठीक हो जाएगा मैं उसी दिन दो दिन के बाद सीधा तेरे को अजमेर शरीफ लेके जाऊंगा और तीनों बच्चों को लेके जाऊंगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। इस बार जो गाइस की हालत हुई है ना, कोई नहीं देख पा रहा, मतलब मैं इसको पहले भी एडमिट कराया, दो बार डायरिया हुआ, कोई बात नहीं, मैंने इसके ऊपर से 2100 रुपए बार के निकल रहा हूँ अजमेर शरीफ के लिए। ठीक है, देखो हम वैष्णो देवी चले गए, ठीक है, अजमेर शरीफ चला जाता हूँ और तेरे नाम की चद्दर चढ़ा देता हूँ वहाँ जाके। ठीक है, ठीक है बेटी, मैं यूँ गया और यूँ आया, ठीक है, तू ध्यान रख अपना। ओके, लव यू, लव यू मेरे बच्चो, लव यू मेरी जानी मन, मैं बेटी है तू, मैं बच्चा तू, सुनता है मेरी बातें सारी, क्या करो, मैं रोऊंगा तो तुम भी रोओगे, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाए, चिंता मत करो ना मम्मी, हारी बीमारी हर घर में आती है, चिंता मत करो, रोते नहीं है। चल मैं जा रहा हूँ। बदला ने मी पाया है, बस तू ठीक हो जा बेटा, इससे ज्यादा नहीं देखा जाता। ठीक है, तो अभी क्या हालत है इसकी? अभी तो डॉक्टर आए थे, सारे बड़े बड़े डॉक्टर आए थे मुझे कंसल्ट करने के लिए, उनको पता चला कि ऐसे ऐसे रो रही थी, तो ऊपर आए सारे डॉक्टर, बोला और उन्होंने बोला कि आपको बहुत ज्यादा हाइपर हो जाओगे, हमें पता है, इसलिए मैं आपको समझा नहीं हूँ। उन्होंने बोला आप कुछ मत करो, आप अपना दरवाजा करो बंद, हीटर चलाओ और इसको नीचे ना एसिड आ रहा है, एसिड जब आता है हमारी स्किन पे आता है तो हमारी स्किन जल जाती है, जो स्किन नीचे बिल्कुल रेड हो चुका है ना, वो जल चुका है, सिर्फ और सिर्फ हवा से ठीक होगा, आपको कुछ नहीं करना, हीटर चला के कमरे में इसे यहाँ पे छोड़ दो, और अगर आपको लगता है ये नीचे नहीं रहता तो इसको गोदी में रखो, कमरा हीट कर लो, और साथ ही साथ बोला इसको रात को ना थोड़े दवाई देंगे, कौन सी मम्मी, फिनाइल देंगे, जिससे इसको रात को नींद आएगी, क्योंकि कुछ खा पी नहीं रहा, जो दाल का पानी भेजा वो नहीं खा रहा, तो पूरी रात को इसको ड्रिप चलानी है और ग्लूकोज पे रहेगा ये, और अगर ये ग्लूकोज नहीं चलाता तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, तो इसको पूरी रात सुलाकर हमें ग्लूकोज चलाना है पूरा। तो वैसे आप भी दुआ करना और मैं निकल रहा हूँ अजमेर शरीफ के लिए। ठीक है, मैं यही पाल को बोल रही हूँ, पाल पहले भी हॉस्पिटल रहे पर इतनी बुरी हालत नहीं देखी इस लड़के की, मैंने चीकू के पापा तक रो पड़ा, मैं तो कह रही हूँ इसको तू चली जा, मेरी मैं तो हिम्मत ही नहीं है, मैं तो कम छोड़ के जाएगी, मैं जामी जा ही नहीं पाऊंगी, पर मैं तो इतनी ज्यादा अभी हो रही हूँ, मेंटल हो रही है, मेंटल से हो रही हूँ, मेरे को आधी चीजें समझ ही नहीं आ रही, उसको आवाज ही नहीं समझ आ रही थी, वो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं चीकू के रोने के आगे, ज्यादा के रोने के आगे, मैं डॉक्टर की बात नहीं समझ पा रही इसकी हालत देख के इस बार। तो बस अभी मैं निकल रही हूँ घर के लिए, और ज्यादा के ना बहुत सारे कपड़े थे जो सारे गंदे हो रखे हैं, सारे मैंने कपड़े पन्नी में डाल लिए, और तीन से चार बार कपड़े ऑलरेडी जा चुके हैं, चौथी बार जा रहे हैं। ठीक है मम्मी, मैं इधर अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ, थोड़ा नहा भी आई हूँ ना, हाँ मैं नाइट सूट पहन के आती हूँ, और शैली के लिए भी नाइट सूट लेके आती हूँ, ठीक है, आ रही हूँ मैं, ठीक है, चाय भी ले आऊंगी। हाँ ठीक। तो गाइस मेरी इतनी ज्यादा बुरी हालत हो रही है ना, मतलब ज़ायद पहले भी एडमिट हुआ, डायरिया हुआ था उसको, फिर उसका ऑपरेशन हुआ था, तब भी मेरी इतनी बुरी हालत नहीं थी जितनी इस बार हो गया, मतलब कि ना उसको मैं इतना ज्यादा तड़पता हुआ देखा ना, शायद ऑपरेशन के टाइम पे वो निकू में था ना, उस टाइम पे मैं उसको देख नहीं पाई, पर इस बार का जो दर्द था ना, जो रो रहा था ना, उसको देख देख के ना मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हुआ, मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई। तो मैंने सारा का सारा सामान जो ले लिया, मैंने वहाँ पे गद्दा भी ले लिया, क्योंकि दो लोगों के सोने की जगह है, तो मैं शाली मम्मा है, तो मैंने पीछे गद्दा ले लिया, ब्लैंकेट ले लिया, मम्मी अपने लिए, शैली के लिए चाय ले लिया, मैंने घर पे चाय नहीं पी, बस मैंने फटाफट शावर लिया, शावर लेके निकल रही हूँ, साथ ही साथ ना मैंने नाइट सूट भी कैरी कर लिया, क्योंकि वहाँ पे शैली के पास कपड़े नहीं थे, मम्मी के पास भी नहीं थे, बस अब हॉस्पिटल निकल रही हूँ। और घर पर आई तो मैंने देखा यान और तुबा दोनों सो रहे थे, तो बस बच्चों को हल्की हल्की ना कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही है, तो कल बच्चों के लिए जो ना नेबुलाइजर तुम्हारे पास है, तो मैं डॉक्टर से दवाई लिख लूंगी, पता नहीं दो दवाई डालनी होती है नेबुलाइजर में, डॉक्टर से लिख कर ना कल बच्चों को नेबुलाइजेशन करवाती हूँ घर पर। तो सुबह के बज गए हैं 5, और बस अभी अभी जैद जो है ना वो सोया है, मतलब 1 बजे सोया था ये, और 1 से 5 कंटिन्यूस होया है, बस अभी थोड़ी देर पहले उठा था, जैसे उठता है तो उसको लूज चूल्स होते हैं, मतलब सोता है तो ठीक रहता है और उठते लूज चूल होते हैं। अभी बस चीकू के पापा से भी बात हुई, वो कह रहे 150 किलोमीटर रह गए, मैं पहुंचने वाला हूँ अजमेर शरीफ, तो मैंने कहा ठीक है, तो वो भी पहुंच जाएंगे सुबह के 7 बजे तक। तो अभी इन्होंने बताया, बताओ शैली मम्मी कंटिन्यू गए हैं, कहीं रुके नहीं है, बिल्कुल
कितना किलोमीटर है? इतना नहीं पता, कितना किलोमीटर मैं देख कर बताती हूँ, बस ये कि 7 बजे तक पहुँचेंगे कंटिन्यू। 150 किलोमीटर रह गए। अच्छा, वैसे ना एक बात है, इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, पर ये लूज मोशन बर्दाश्त करना ना सबसे मुश्किल है, क्योंकि पूरा का पूरा बॉडी में जितना पानी है ना सब खत्म हो जाता है, सब चीज की कमी हो जाती है। फीवर भी चलो ठीक है, फीवर कोल्ड कफ सबका बंदा थोड़ा कंट्रोल कर लेता है, बट लूज मोशन में नहीं मम्मी है, लूज मोशन में इतनी बुरी हालत हो जाती है ना मैं बता नहीं सकती। इसके इतने ज्यादा रैशेज हो रहे हैं, एक स्किन निकल गई है पूरी, और जब भी बेचारा फ्रेश होता है ना तो रोता है, क्यों? क्योंकि उस जगह पे इतनी रेडनेस हो चुकी है, जलन मचती है, और डॉक्टर ने बताया कि जो ये दवाइयां ले रहे हैं ना वो सारी एसिड के थ्रू बाहर आ रही है, और जब वो स्किन पे टच होता है ना वो एसिड, तो वो पूरा का पूरा जलन होती है, वो बर्न कर देता है। तो मुझे इतनी सारी दवाइयां दी है, एक व्हाइट कलर की दवाई दी है जिससे लगा के ना इसको मतलब जलन नहीं होगी, सुन कर देगी अब इसकी वो एरिया को। तो इसको ना सारी वही मम्मी सही वही वाली पजामियां पहनाई है, सारी पुरानी है, क्यों कितनी पजामियां लाए, कितनी पजामियां तुम लाए हो सारी सर्दियों की, कितनी पजामियां यूज हो चुकी होंगी मम्मी, शाम से हो गई 25-30 हो गई पजामियां, 25-30 पजामियां यूज हो गई, थोड़ी थोड़ी देर बाद तो ये जरा पॉटी कर देता है, क्या करेगा बंदा। तो गाइस सुबह के बज गए 8, और मैंने दोबारा अपने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि जैद को ड्रिप्स चढ़ रही है और मैं उसको डायपर बिल्कुल भी नहीं पहना रही हूँ, तो ड्रिप्स की वजह से ना उसको बहुत ज़्यादा ना टॉयलेट आ रहा है, तो उसने मेरे को टॉयलेट कर लिया था, सारे कपड़े गीले हो गए, पर मैंने अपने लिए शुक्र हो 2 नाइट सूट एक्स्ट्रा रखे हुए थे, मुझे पता था कि ऐसा होगा। और बस चीकू के पापा से भी बात हुई है, पहुंच चुके हैं अजमेर शरीफ, होटल ढूंढ रहे हैं, और सुबह के 8 बज गए, ये निकले थे रात को, पूरे 8 घंटे की ट्रैवलिंग है, नॉन स्टॉप गए हैं, कहीं नहीं रुके। मेरे गोलू बस जैद कैसा है, तो रोया तो नहीं, क्योंकि जैद ना ड्रिप्स की वजह से और दवाइयों की वजह से ना सो रहा है, कंटिन्यू सो रहा है, उठता है टॉयलेट जब किया होता है तो हल्का पत रोता है, फिर दोबारा सो जाता है, तो कोई भी नहीं ले रहा, कुछ भी खाना पीना नहीं ले रहा, सिर्फ और सिर्फ ड्रिप के ऊपर है। तो कल रात से इसको ना बहुत सारा ग्लूकोज चढ़ चुका है, तो यहाँ पर ना जैद की जो ड्रिप है ना वो चल रही है, एंटीबायोटिक चल रही है, और ना उसका जो हैंड है ना वो पोजिशनल हो गया है ना, तो हमें क्या ऐसे ना हैंड को प्रेस करके नीचे की तरफ रखना पड़ रहा है, तभी ड्रिप चढ़ रही है। और कल रात को इसको पूरा ग्लूकोज चढ़ाया, थोड़ा सा मतलब कि मेरे ख्याल से 10-20 ml रह गया होगा, तो बस वो रह गया। तो बस अभी निकल रही हूँ मैं घर के लिए, और घर जाके ना कपड़े लेके आ रही हूँ, मैंने बच्चों का जैद का ब्लैंकेट पहना हुआ है, क्योंकि इसके नीचे जो नाइट सूट पहना है इतना ज्यादा पतला है ना, ठंड लग रही है, तो यहाँ पे मैंने सारे मैले कपड़े ले लिए, और घर का जो भी सारा का सारा बर्तन थे ना वो भी उठा लिए। तो यहाँ पे ना मैंने सारा सामान ले लिया, मैंने जैद के लिए बहुत सारे ब्लैंकेट ले लिए, 4-5 ब्लैंकेट ले लिए, चाय ले ली है, साथ में नाश्ता ले लिया, क्योंकि मैंने भी नाश्ता नहीं करा, मैंने सोचा वहाँ जाके नाश्ता कर लूंगी लेट ना हो जाए, तो बस सारा सामान ले लिया, ये बैग एक इधर है एक इधर है, तो बस अभी निकल रही हूँ वापस हॉस्पिटल के लिए। उठा तो नहीं, थोड़ा सा उठा था बस, ड्रिप जब लग रही थी, बाकी थी आराम कर रहे सो रहे। ठीक है, सुसु भी मैंने चेक कर लिया था, अभी सुसु भी नहीं किया, सिर्फ दवाइयों का नशा हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, अभी भी ऐसे हो रहा है, पोजिशनल हो रही है। हाँ, कौन सी चल रही है? अच्छा, ग्लूकोज चल रहा है, दूसरी बॉटल खोली ना बॉटल। हाँ, अब तो ड्रिप पे रहेगा ये, आज क्योंकि खाना नहीं खा रहा ना इन्फेक्शन की वजह से, तो ये वाली जो है ना इसकी सेकंड बॉटल है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गाइस ड्रिप पर है। और इतना जब जैद के साथ क्या हो रहा है, जैद बड़ा हो गया ना, तो जैद जब तक सोता है तब तक ड्रिप चलती है, जैसे ही जैद उठ जाता है ना तो सारी की सारी ना मतलब कि अपने हाथ की एक्टिविटी करते हैं, अपना ड्रिप निकालने की कोशिश करते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है मुझे इसके लिए ड्रिप देना। बट जब उठेगा ना मुझे इसको सारी लूज मोशंस की दवाइयाँ देनी है, मुझे इसे टफ प्रो इकोनॉम ZND बहुत सारी दवाइयाँ वो सब देनी है। तो यहाँ पे ना जैद भी उठ गया है, बहुत देर से सो रहा था, वो फाइनली जैद उठ गया। तो अभी क्या मैंने पूरे रूम को ना क्लीन कर दिया, जितना भी सामान था सारा सामान सेट कर दिया, बस पीछे थोड़ा बहुत सामान रह गया है। अब ठीक हो? तो गाइस इसकी आंखें ना सूज गई है, रो रो के इसकी आईज दिखाती हूँ, मेरे को पूरी स्वेल है। जैदू छोनू बाबू दिख रही होंगी, ये ऊपर से ना आईज लिट पूरी स्वेल हो गई है रो रो के। अच्छा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी किसी को, आप लोए थे, मैं को बताऊंगी किसी को, मैं नहीं बताऊंगी, अब तो दूदू बॉय हो भाई। हेलो क्या, हेलो अच्छा पप्पो, हेलो जैद, मम्मा को देख ले, दोनों हैंड्स मिला देंगे, हैंजू हेलो कुछ की। तो जैद की ना 2-4 दवाइयाँ बिल्कुल ना डॉक्टर ने स्टॉप कर दी, मैंने कहाँ रखी है स्टॉप वाली दवाई, हाँ ये रखी है, एक तो सेनोविन स्टॉप करी है, सेनोविन ड्रॉप्स, और साथ में करी है एल्थ्रोसिन ड्रॉप्स, ये दोनों स्टॉप कर दिए। और डॉक्टर ने बोला अभी सिर्फ इसको ना ये सेनोविन ये जो नेजल ड्रॉप्स है ना वही डालनी है। तो बस अभी बाहर ना जैद थोड़ी सी धूप सेक रहे हैं, क्योंकि आज ना बिल्कुल भी हवा नहीं है, अच्छी बहुत अच्छी धूप निकली है, मैंने कहा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन आज 6th day ना मम्मी, अच्छा 6 दिन हो गए, 6 दिन से बच्चा हॉस्पिटल में, और ये कमरा तो बहुत अच्छा है फिर भी बड़ा है ना मम्मी, और बाहर भी काफी अच्छी स्पेस है ना, तो जैसे ही उठा ना तो बड़े तेज तेज रोने लग गए, तो मैंने कहा थोड़ी बाहर गया है अब खुश है।
तो गाइस यहाँ पे ना जैद सो गया है फाइनली, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। पूरे कमरे की साफ सफाई भी हो गई है, चद्दर पे सब कुछ चेंज हो गया है और इसको मैंने दवाई भी दे दी है। बस एक बार ना 10-15 मिनट और हो जाए, इसकी थोड़ी गहरी नींद हो जाए, फिर मैं इसके जो ग्लूकोज की ड्रिप है ना वो लगवाती हूँ, क्योंकि ना डॉक्टर अभी आए थे बताने कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी जा रही हूँ घर पे एक दो घंटे के लिए, रेस्ट करो आराम से, शाम को देखेंगे। और इसको डॉक्टर ने बोला नारियल पानी पिला सकते हो, चावल की मांड पिला सकते हो, ट्राई कर लियो, ज्यादा ना खाए कोई बात नहीं, ना खाए आधा चम्मच, एक चम्मच भी खाए ना वो भी चलेगा, ठीक है जैसे आधा एक चम्मच खा लेना वो भी चलेगा। थोड़ा सा मैंने ट्राई किया था चावल की मांड खिलाने का, पर इसने खाया नहीं। तो आज ना सुबह से जो मेरे नाइट सूट है ना इतनी बदल चुकी है, मैंने पहले एक नाइट सूट चेंज करा, फिर मैंने घर जाके चेंज करा, फिर एक और चेंज करा, तो ये चौथा है। और ये भी मेरा यहाँ से आधा गीला है, यहाँ से आधा गीला है, क्योंकि जैद आपको पता है डायपर के बिना है। तो अभी हमारे हॉस्पिटल के बाहर ना लंगर हो रहा है, क्योंकि आज ही नूपुर मैम का बर्थडे, पर अभी मैं लंगर में नहीं जा सकती क्योंकि मैंने बिल्कुल भी शावर नहीं लिया, ब्रश तक नहीं करा, तो मैं नहीं चाहती ना देखो ऐसे जाऊं लंगर में। तो बस अभी घर जाती हूं, घर जाके थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाती हूं, क्योंकि सारा सामान घर पर है, ब्रश हो गया, सब चीजें घर पर है। नूपुर मैम आ गई, मैम को विश करती हूं। तुम जियो हजारों साल साल दिल की, मेरे को गाना नहीं आता, सॉरी मैम, बट हैप्पी बर्थडे। मेरी बात सुनो, मैं ना नहाकर नहीं आई, मेरे को 1-1.5 घंटा दे दो, कब तक लंगर खत्म हो जाए। तू आज ऐसे ही आ जा, कुछ भी हो, मैं नहाई नहीं हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो पता है, कोई बात नहीं आ जा। चलो आप बोल रहे हो तो 5 मिनट के लिए आती हूँ, ठीक है आ जा। मैम कह रही है आप लंगर बर्ताओ, मैम बर्ताऊंगी नहीं, क्योंकि देखो मैं शावर लेके नया है, तो मेरे दिल में थोड़ा सा ना होता है कि नहीं शावर लिया यहाँ पे, यहाँ पे करूँगी। कितने साल हो गए मैम? 45 ईयर्स की मैम कम्प्लीट हो गई है। चलो 21 years of experience. बिल्कुल सही है, हर एक लड़की स्वीट 16 है। तो यहाँ पर मैंने सबके लिए प्रसाद ले लिया है, तुम जितने भी है, मम्मी शैली गुडा भैया मैं, हम सब प्रसाद चख लेते हैं। तो आज तो फिर गलती कर दी हमने इधर से आकर, इतना ज्यादा ट्रैफिक है ना इस साइड, 20 मिनट हो गए मुझे यहाँ से हॉस्पिटल से निकले, अभी तक घर नहीं पहुंची, और अभी तो आगे से हमें यू टर्न भी लेना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है 15-20 मिनट और लग जाएंगे घर पहुंचते पहुंचते। तो अभी मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ब्लिंकिट से ना बच्चों के लिए फीडिंग बॉटल ऑर्डर करी, क्योंकि लक्ष्य का कॉल आया था कि ना बच्चों के पास फीडिंग बॉटल नहीं है, सारी बॉटल्स ना जैद के पास थी स्टेलाइजर के अंदर। तो मैंने कहा ठीक है, तो मुझे ब्लिंकिट से ना एक ही बॉटल मिली अवेलेबल, एक बॉटल जो मिली थी ना वो सही नहीं लग रही थी, तो उसका मतलब कि निपल था ना काफी बड़ा था, तो मैंने सोचा पता नहीं बच्चे इसमें कंफर्टेबल हो पाए ना हो पाए, तो मैंने पिजन की एक बॉटल ऑर्डर कर दी। तो वो बॉटल गलती से चली गई एडवोमेट हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने एडवोमेट हॉस्पिटल में पहले मिल्टन की बॉटल ऑर्डर करी थी। तो अभी क्या है, मैं यहाँ से यू टर्न ले रही हूँ और घर की तरफ जा रही हूँ, बीच में आएगा रामा स्टोर, तो रामा स्टोर पे उतरती हूँ, बच्चों के लिए लेती हूँ फीडिंग बॉटल, फिर जाती हूँ घर। तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट क्राई मिल गया था, तो मैंने दो बॉटल ले ली, एक ली बेबी हग की और एक ली कीको की। वैसे ग्लास बॉटल चाहिए थी, बट वहाँ पे ग्लास बॉटल अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, टेम्परेरी के लिए दो बॉटल्स ले लेती हूँ, दो बॉटल्स मैं मंगाऊंगी कांच वाली, ऑनलाइन मंगवा लूंगी। तो गाइस बस मैं अभी अभी घर पहुंचू, अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30, और बस अभी मैं 1 घंटा सो जाती हूँ, क्योंकि ना मेरे हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा तेज, तो मैंने कहा 1 घंटा सो के शावर लेके फिर निकलती हूँ हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि अभी मैंने पूछा लक्ष्य से जैद सो रहा है, उसको ड्रिप चल रही है, और उसको ना जो इंजेक्शन और जो दवाइयाँ जा रही है ना उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो मुझे पता अगर वो अभी सोया है तो कम से कम 2-3 घंटे सोएगा। तो यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे आराम से सो रहे हैं, तो मैं कर देती हूँ लाइट बंद।